नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। नगर पालिका जैन कृति स्तंभ के पीछे मैदान में पड़े आरओ प्रोजेक्ट के पानी फिल्टर पाइपों में अज्ञात कारणों से लगी आग, लाखों का माल जलकर हुआ खाक, फायर ब्रिगेड बुझाने का करती रही प्रयास। भिंड जिले के अंदर आरओ फिल्टर प्रोजेक्ट का कार्य पिछले एक वर्ष से नियमित जारी है, जिसके लिए ठेकेदारों के द्वारा गली मोहल्लों में प्रोजेक्ट का कार्य तेजी से किया जा रहा था। अधिक सर्दी होने के कारण कार्य में रुकावट होने पर ठेकेदारों के द्वारा शहर के जैन कृति स्तंभ के पीछे रखे पाइपों में अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों का नुकसान हो गया। घटना दोपहर 2 बजे के करीब हुई। आरओ फिल्टर प्लांट में रखे पानी के पाइपों में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई, जिससे शहर में हो रही सीवर प्रोजेक्ट के कार्य में बाधा भी उत्पन्न हो गई। वहीं हालांकि शहर थाना प्रभारी उदयभान सिंह यादव मौका स्थल पर दल बल के साथ पहुंचे और मामले की जांच भी कर रहे हैं। कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, मामले की जांच चल रही है। प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो इमरान अली खान की रिपोर्ट। वो पाइपों में आग लगी है। तो आग लगने क्या कारण बताया जा रहा है? कारण तो अज्ञात है, अभी आग लगी है, वो जांच के बाद पता चलेगा। कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो बहुत हुआ है, और ये जांच का विषय है कि आग लगी कैसे है। कितनी फायर ब्रिगेड आग बुझाने के लिए लगी? 6 फायर ब्रिगेड लगी है, और भी व्यवस्था की जा रही है, और अब तो स्थिति कंट्रोल में है, क्योंकि JCB के द्वारा पाइप उठा लिए गए हैं, तो अब ज़्यादा शंका और ज़्यादा खतरा का वो नहीं। तो पास की जो बस्तियाँ हैं इनको भी खाली कराया जा रहा है? ना, पाइप उठा लिया गया है तो बस्ती खाली कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा ये जैन मंदिर जो आप देख रहे हैं, इसमें बहुत खतरा था, इसका बॉर्डर था, तो इसको इस जगह तो ये बचा जा रहा है। रिहायशी इलाका है, राज का विषय है।